नमस्कार दोस्तों, द न्यूज गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जो दिल्ली में हुआ वो सबने देखा, किस तरह से कुछ किसान अपने रास्तों से भटक गए और किस तरीके से कुछ उग्रवादी जो लोग थे, कुछ गिने चुने लोग थे, वो लाल किले पर चढ़ गए और जहां पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है वहां पर अपना धर्म विशेष का एक झंडा फहरा दिया, जो कि कहा जा रहा है निशान साहिब का झंडा था। लेकिन ये गलती हुई कैसे, किसान इतनी संख्या में दूसरे रास्तों पर कैसे चले गए? अब इसके पीछे की जो पुलिस कार्रवाई है वो चल रही है, अभी इसके पीछे की जांच जारी है, लेकिन जो मोटा माटी समझ में अभी तक आ रहा है कि ये ऐसा आखिर हुआ क्यों। अगर पहली बात पे गौर की जाए जो कि राकेश टिकैत हैं, तो उनका कहना ये था कि पुलिस से जब बातचीत चल रही थी 25 जनवरी की रात तक, जो रूट था वो बिल्कुल फाइनल नहीं हो पाया था। और उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने जो रूट दिया था, आखिरकार पुलिस ने जो रूट दिया, जब किसान उस रूट पर आगे पहुंचे तो वहां पर बैरिकेडिंग लगी थी, तो किस ऐसे में कई किसानों को समझ में नहीं आया कि किधर से जाएं, तो फिर वो जो किसान हैं इधर से उधर कुछ किसान निकल गए, ऐसा उनका कहना था। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए योगेंद्र यादव की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया दीप संधु और दो तीन नाम और लिए, तो उनका कहना था कि जो कुछ किसान संगठन हैं जो संयुक्त मोर्चे के साथ नहीं हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी सी मनमानी की। उससे पहले का कुछ घटनाक्रम सिंगू बॉर्डर का ये था कि दीप संधू और उनके साथियों पर ये आरोप था कि उन्होंने एक मंच पर कब्जा कर लिया है। लाल किले की बात की जा रही है जो झंडा फहराने की वहाँ पर, तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि उसमें भी दीप संधू का एक बड़ा हाथ था, वहाँ पर दीप संधू खुद मौजूद था और शायद उसने खुद ही वो झंडा फहराया था। दीप संधू कौन है, आपको बता दें कि लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान सन्नी देओल के साथ दीप संधू का काफ़ी अच्छा रिलेशन था। एक फ़ोटो भी वायरल हो रही थी जिसमें दीप संधू, सनी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। तो जो लोगों का कहना है कि इस जो कल घटना हुई, कल जो हिंसा हुई और जो कल कुछ किसान भटक गए, उनमें सबसे बड़ा हाथ दीप संधू और उनके कुछ साथियों का है जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ नहीं थे। अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि किस तरीके से जो किसान थे वो पहले से ही काफ़ी तैयारी कर रहे थे और किसान संगठनों ने तो वादा किया था कि हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो साजिशकर्ता हैं, किसानों का ये भी कहना है कुछ साजिशकर्ता भी इसमें घुसे हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में हुई थी, तब किसानों ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसमें वो बता रहा था कि किस तरीके से जो किसान मोर्चा, जो उनका किसान परेड है, उसे भ्रमित करेंगे और किसान नेताओं को, मतलब हिंसा की बात उसने कही थी। बाद में भले ही वो अपने बयान से पलट गया था, को बता दें कि ये बड़ा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ उग्रवादी तत्वों ने, कुछ ऐसे तत्व थे, उन्होंने इस परेड को जो है एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उसके बाद जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरीके से किसानों के ऊपर एकदम हावी हो गया और कहने लगा कि ये तो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी, कई सारे इन पर आरोप लगाए। कुछ जो आंदोलन थे योगेंद्र यादव के नेतृत्व में जो सांझा बॉर्डर से चल रहा था, सांझापुर बॉर्डर से, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त हुआ। तो इसी तरीके से कई किसानों ने अपना जो ट्रैक्टर मार्च था वो बड़ी आसानी से निकाल लिया, लेकिन जहाँ कुछ लोग भ्रमित हो गए थे या फिर कह सकते हैं उन्हें किसी ने उकसाया था, तो अगर व्यक्ति ऐसा निकलता है जिसने किसानों को उकसाया था और उसका मकसद हिंसा, तो फिर उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।